थाना बतौली और थाना रघुनाथपुर क्षेत्र में सूचना मिली कि 3 लोग जो है, जो बाहरी लोग हैं उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के नाम से जो है परिवीक्षण अधिकारी बनकर जो है लोगों से ठगी की जा रही है करके। सूचना पर जो है हम मुखबिर लगाए और हमारे पुलिस वाले भी लगे हुए थे, तब पता चला कि कुछ लोग गंगापुर एरिया में ऐसे संदिग्ध लोग घूम रहे करके, और जब उनसे पता तलाश किया गया तो गंगापुर के एक होटल में हम लोग को पता चला कि ये लोग यहाँ पे रुके हुए करके और ठगी करके कहीं से आए करके, जिसमें से 3 आरोपियों को जो है हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो बताया कि स्वीकार किए लोगों की, हाँ हमारे द्वारा जो है रघुनाथपुर बतौली और अन्य राज्यों में जिलों में जो है ठगी गई है। ठगी का इनका बेसिक जो उद्देश्य है वो रहता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो उज्ज्वला योजना है, इसमें जो है जो मोडस ऑपरेंडिस है वो है कि अपने आप को परीक्षण अधिकार बताकर जो भी पैसा आया हुआ है योजना के नाम से, जो घर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अनकम्प्लीट है, या उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के नाम से या बीमा के नाम से, ये लोग जो है मुख्य ठगी करते हैं कि आपके पास जो पैसा आ गया लेकिन आपका घर बना नहीं है, उज्ज्वला योजना में अभी तक आपको जो लाभ मिला है उसके तहत जो है ठगी कर रहे लोग, और बीमा आपका हुआ कि नहीं हुआ उसके नाम से ये लोग जो है आपके नाम से ऊपर शिकायत हुआ है बोल के ये लोग ठगी करते हैं, जिस पर जो है लगभग बतौली थाने में और रघुनाथपुर चौकी में जो FIR दर्ज हुआ और दोनों पर जो है इन पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो है अभी बतौली थाने में जो FIR हुआ है उसमें 10,000 के आसपास का ठगी है, और रघुनाथपुर चौकी में जो है 25,000 के ठगी का FIR दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जो है ये लोग हमारे, इनके पास जो टेबलेट मिला है इससे जब पूछताछ किया गया टेबलेट में, तो ये लोग वीडियो क्लिप और फोटो बनाए हैं जिसमें 150 लोगों का जो है ठगी करने में फोटो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है इसमें, और लगभग 30 लाख पैसे का जो है ये लोग अभी तक ठगी किए हैं लगभग 1 वर्ष में। ये तीनों जो है जो आरोपी है ये बलिया यूपी के रहने वाले हैं। अभी तक दोनों ही थानों में जो है 420-34 के तहत जो है अपराध विधि कर कार्रवाई की जा रही है। अभी इनके कब्जे से जो हाथ में लिया गया, कब्जे में जो लिया गया है उसमें से एक टेबलेट है जैसे बताया मैं, उसमें फोटो वीडियो है, ग्रामीणों से पैसा लेते हुए उनको शिकायत के नाम से धमकाते हुए एज ए अधिकारी के रूप में, इसी प्रकार से उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 24,000 पैसा, ATM कार्ड, रसीद बुक, ये सब जब्ती की गई है। थाना बतौली और थाना रघुनाथपुर क्षेत्र में सूचना मिली कि 3 लोग जो है, जो बाहरी लोग हैं उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के नाम से जो है परिवीक्षण अधिकारी बनकर जो है लोगों से ठगी की जा रही है करके। सूचना पर जो है हम मुखबिर लगाए और हमारे पुलिस वाले भी लगे हुए थे, तब पता चला कि कुछ लोग गंगापुर एरिया में ऐसे संदिग्ध लोग घूम रहे करके, और जब उनसे पता तलाश किया गया तो गंगापुर के एक होटल में हम लोग को पता चला कि ये लोग यहाँ पे रुके हुए करके और ठगी करके कहीं से आए करके, जिसमें से 3 आरोपियों को जो है हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो बताया कि स्वीकार किए लोगों की, हाँ हमारे द्वारा जो है रघुनाथपुर बतौली और अन्य राज्यों में जिलों में जो है ठगी गई है। ठगी का इनका बेसिक जो उद्देश्य है वो रहता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो उज्ज्वला योजना है, इसमें जो है जो मोडस ऑपरेंडिस है वो है कि अपने आप को परीक्षण अधिकार बताकर जो भी पैसा आया हुआ है योजना के नाम से, जो घर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अनकम्प्लीट है, या उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के नाम से या बीमा के नाम से, ये लोग जो है मुख्य ठगी करते हैं कि आपके पास जो पैसा आ गया लेकिन आपका घर बना नहीं है, उज्ज्वला योजना में अभी तक आपको जो लाभ मिला है उसके तहत जो है ठगी कर रहे लोग, और बीमा आपका हुआ कि नहीं हुआ उसके नाम से ये लोग जो है आपके नाम से ऊपर शिकायत हुआ है बोल के ये लोग ठगी करते हैं, जिस पर जो है लगभग बतौली थाने में और रघुनाथपुर चौकी में जो FIR दर्ज हुआ और दोनों पर जो है इन पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो है अभी बतौली थाने में जो FIR हुआ है उसमें 10,000 के आसपास का ठगी है, और रघुनाथपुर चौकी में जो है 25,000 के ठगी का FIR दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जो है ये लोग हमारे, इनके पास जो टेबलेट मिला है इससे जब पूछताछ किया गया टेबलेट में, तो ये लोग वीडियो क्लिप और फोटो बनाए हैं जिसमें 150 लोगों का जो है ठगी करने में फोटो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है इसमें, और लगभग 30 लाख पैसे का जो है ये लोग अभी तक ठगी किए हैं लगभग 1 वर्ष में। ये तीनों जो है जो आरोपी है ये बलिया यूपी के रहने वाले हैं। अभी तक दोनों ही थानों में जो है 420-34 के तहत जो है अपराध विधि कर कार्रवाई की जा रही है। अभी इनके कब्जे से जो हाथ में लिया गया, कब्जे में जो लिया गया है उसमें से एक टेबलेट है जैसे बताया मैं, उसमें फोटो वीडियो है,
ग्रामीणों से पैसा लेते हुए, उनको शिकायत के नाम से धमकाते हुए एज ए आधिकारिक रूप में। इसी प्रकार से उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 24,000 रुपये पैसा, ATM कार्ड, रसीद बुक, ये सब जब्ती की गई है।